नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चांदनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया। इन दिनों भोजपुरी इंडस्ट्री में जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि तरह तरह की फिल्में आ रही हैं, गाने आ रहे हैं, एल्बम आ रहे हैं और साथ ही साथ जो स्टार्स हैं वो भी अपने फैंस से मिलने का एक मौका नहीं छोड़ते। जिस तरह फैंस बेताब होते हैं अपने स्टार्स से मिलने के लिए, वही जो स्टार्स होते हैं वो भले ही फिल्मों के बाद या फिर ऐसे फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट होकर ना मिल पाए लोगों से, अपने फैंस से, लेकिन एक जरिया है जिसके जरिए वो अपने फैंस तक पहुँचने की कोशिश करते हैं और अपनी जिंदगी से, रील और रियल लाइफ से जुड़ी तमाम तरह की जानकारियाँ देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, जिसके जरिए फैंस और उनके स्टार्स, चहेते स्टार्स, काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे से अपनी सारी बातें शेयर करते हैं। चाहे स्टार्स अपनी रील और रियल लाइफ से जुड़ी कई बातें सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस तक पहुंचाते हैं, तो वहीं उनके फैंस उनके इस फोटो पोस्ट या वीडियो पर कुछ ना कुछ कमेंट करते हैं या लाइक करते हैं, जो भी हो, लेकिन एक दूसरे के साथ इस तरह का इन दो फैंस और स्टार्स के बीच चलता ही रहता है। लेकिन अगर बात करें उनके फ़ोटोज़ की, तो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के ज़रिए वो जिस तरह अपने फैंस से जुड़े रहते हैं, तो फैंस भी अपना ढेर सारा प्यार अपने स्टार्स को देते हैं। और आज इस खास प्रोग्राम में मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ उन खास स्टार्स की कुछ फ़ोटोज़, भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार्स की, भोजपुरी इंडस्ट्री के एक्ट्रेसेस की, एक्टर्स की, वो कुछ खास फ़ोटोज़, वीडियोज़ और पोस्ट जिन्हें देखने के बाद से फैंस को कहीं ना कहीं अपने चहेते स्टार्स का, अपने चहेते एक्टर्स का, एक उनकी लाइफ से जुड़ी तमाम बातें पता चलती हैं, भले ही वो फिल्मों से जुड़ी हों या फिर उनकी रियल लाइफ से। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली फ़ोटो से। जी हाँ, बता दें आपको कि जो पहली फ़ोटो है वो है भोजपुरी इंडस्ट्री की लुलिया गर्ल कही जाने वाली निधि झा की। जैसा कि आप जानते ही हैं कि लुलिया गर्ल यानी कि निधि झा हमेशा से ही अपनी किसी न किसी बात को लेकर काफ़ी चर्चे में रहती है, और साथ ही हाल ही में उन्होंने एक फिल्म की जिसमें उनके साथ अरविंद अकेला कल्लू थे, उसका नाम दिलबर बताया जा रहा था। तो वहीं अब वो एक और फिल्म कहीं से कर रही है, फिलहाल फिल्म का नाम पता नहीं चल पाया है, लेकिन उनके फिल्म के सेट से तमाम तरह की फोटोज वायरल हो रही हैं, जिससे कि ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जल्द ही वो एक नई फिल्म लेकर आएंगी और अपने दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन करेंगी। तो वहीं अगर बात करें इस फोटो की, तो बता दें आपको कि निधि झा ने एक गाउन पहना हुआ है डार्क पिंक कलर का, और साथ ही एक काफ़ी खूबसूरत हेयर बन यानी कि जूड़ा बनाया हुआ है। बता दें कि उनका ये गाउन पीछे से डीप नेक है और साथ ही स्लीवलेस है, और ये गाउन की खासियत ये है कि पीछे से काफ़ी लंबा है और देखने में बेहद ही खूबसूरत, और साथ ही साथ एक प्रिंसेस जैसी लग रही है, यानी कि एक राजकुमारी जैसी लग रही है हमारी निधि गर्ल, निधि यानी कि लुलिया गर्ल। जी हाँ, बता दें आपको कि हमारी जो निधि है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं, और आप अगर उनके फॉलोअर हैं तो आप उनके इंस्टाग्राम पर जाकर देख सकते हैं। बता दें आपको कि इंस्टा पर उनकी ये फोटो काफ़ी ज़्यादा पसंद भी की जा रही है, और इसे अब तक मतलब दो से ढाई घंटे हुए होंगे इस फोटो को पोस्ट किए हुए, और अब तक इसे लगभग 3000 से भी ऊपर व्यूज़ मिल चुके हैं और लाइक्स मिल चुके हैं। बता दें कि निधि झा के चाहने वालों की कमी नहीं है भोजपुरी इंडस्ट्री में, हर कोई उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है, और इसलिए देखिए किस तरह से लाइक्स, कमेंट्स और तमाम तरह के लोग कमेंट्स कर रहे हैं, सो ब्यूटीफुल, वेरी नाइस और तमाम तरह की कमेंट्स, जिसे देख कर हम समझ सकते हैं कि निधि झा का ये लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और वाकई अगर आप अभी देखेंगे इस फोटो को तो आपको कहीं ना कहीं उनकी ये फोटो बहुत ही खूबसूरत लगेगी, जो कि काफ़ी अलग है और काफ़ी खूबसूरत है। तो वही अगर अगली फोटो की बात करें, अगले पोस्ट की बात करें, तो बता दें आपको कि वो भी निधि का ही है, और निधि ने ये फोटो जो ये जो वीडियो शेयर की है इसमें वो एक गाने पे टिकटॉक वीडियो बनाती हुई नजर आ रही है, और उसमें वो दुल्हन के अवतार में नजर आ रही है। जी हाँ, लाल जोड़ा पहने, गोल्डन और रेड कलर का लहंगा पहने, और साथ ही साथ गले में मंगलसूत्र और हार और पूरा ट्रेडिशनल इंडियन ट्रेडिशनल लुक लिए वो नजर आ रही है, काफ़ी खूबसूरत, और एक गाने पे वो टिकटॉक वीडियो बना रही है। हालांकि ये उनके ब्रेक टाइम का होगा वीडियो, लेकिन जिस तरह से वो दुल्हन के गेटअप में नजर आ रही है, इससे तो साफ है कि वो
किसी ना किसी नई फिल्म को लेकर आ रही हैं और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल्द ही उनकी इस फिल्म का नाम भी पता चल जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि निधि हमेशा ही अपनी फिल्म का नाम थोड़ा रुककर बताती हैं, जल्दी अपनी फिल्म का खुलासा नहीं करती हैं, और जब उनकी फिल्म का खुलासा होता है तब तक उनकी फिल्म का लुक, टीजर और ट्रेलर कुछ ना कुछ तो आया ही रहता है। तो देखते हैं कि कौन सी फिल्म में नजर आने वाली है निधि झा और क्या कुछ खास लेकर आने वाली है अपने दर्शकों के लिए। तो वही अगर अगले पोस्ट की बात करें तो अगली पोस्ट है अक्षरा सिंह जी की, जो कि भोजपुरी की फेमस एक्ट्रेसेस में से एक है और उन्हें काफी ज्यादा प्यार मिलता है फैंस का और फैंस उन्हें काफी ज्यादा चाहते हैं। जहां अक्षरा सिंह अपनी एक्टिंग को लेकर जानी जाती है, अपने लटके झटकों को लेकर जानी जाती है, तो वहीं उनके गाने भी लोगों को काफी अच्छे लगते हैं और तमाम तरह के भोजपुरी गाने उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री को समर्पित किए हैं। बता दें आपको कि अक्षरा सिंह को जहां गाने का शौक है, एक्टिंग का शौक है, तो वहीं वो दिल की भी काफी ज्यादा अच्छी हैं। बता दें कि उनकी ये जो फोटो है इसमें वो लाल कलर के सूट में नजर आ रही हैं। बता दें कि उनकी इस गाने की, ये किसी गाने का सीन होगा जिसमें वो रेड कलर का सूट पहने नजर आएंगी, और उसी में बता दें कि यहाँ पर इनके नन्हे जो फैन हैं वो लोग उनसे मिलने पहुंचे हैं। उनके फिल्म के सेट पर उनके नन्हे फैन और उनकी माए और गांव की कुछ औरतें पहुंची हैं जो कि उनसे मिलने पहुंची हैं, और वो अक्षरा सिंह को देखकर जहां वह काफी ज्यादा खुश हैं, तो वहीं बच्चे भी काफी खुश हैं और साथ ही साथ अक्षरा सिंह भी बच्चों को इस तरह पकड़े हुए नजर आ रही हैं और बच्चे भी उनके काफी क्लोज नजर आ रहे हैं, जिससे ये साफ है कि अक्षरा सिंह का बच्चों के साथ खासा लगाव है। और इससे पहले भी अक्षरा सिंह की एक फोटो वायरल हुई थी, एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें वो एक बच्चे के साथ खेलती हुई नजर आ रही थी, जिससे ये तो साफ है कि अक्षरा सिंह को बच्चे काफी अच्छे लगते हैं और बच्चों के साथ उन्हें टाइम बिताना काफी अच्छा लगता है। लेकिन वहां पीछे खड़ी उनकी और भी जो फैंस हैं, जो हो सकता है कि बच्चों की माँ होंगी, वो लोग भी इन्हें देखकर काफी खुश है, तो वही अक्षरा भी इन्हें मिलकर काफी ज्यादा खुश है। तो बता दें आपको कि अक्षरा सिंह इन दिनों अपनी फिल्म की शूटिंग में बिजी है और उनके फिल्म के सेट की ये फोटो है। तो वही अगर अगले पोस्ट की बात करें तो बता दें कि वो भी निधि यानी कि लुलिया गर्ल का है और उन्होंने एक टिकटॉक वीडियो बनाई है जिसमें वो डांस करती हुई नजर आ रही हैं। बता दें आपको कि निधि का हमेशा ही कोई ना कोई ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर आता है जिसमें वो डांस करती हुई या मस्ती करती हुई नजर आती है, और ये भी उनके किसी मस्ती टाइम की ही वीडियो है जिसमें वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रही है और काफी ज्यादा एक ब्लू कलर की डेनिम जीन्स में नजर आ रही है, जंप सूट पहने हुए हैं और काफी खूबसूरत लग रही हैं। बता दें आपको कि निधि भोजपुरी की जहां काफी टैलेंटेड एक्ट्रेस है, तो वहीं काफी ज्यादा स्टाइलिश भी हैं वो, और उन्हें काफी पसंद भी किया जाता है और लोग उनके खासा फैन हैं। तो वहीं अगर अगले पोस्ट की बात करें तो वो है रितु सिंह की। बता दें आपको कि रितु सिंह भोजपुरी की काफी क्यूट एक्ट्रेसेस में से गिनी जाती हैं और उनके तमाम वीडियोस और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं और लोगों को काफी पसंद आते हैं। बता दें कि इसमें रितु सिंह काफी एक गाने पे टिकटॉक वीडियो बनाती हुई नजर आ रही हैं जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही है, और अगर उनके मेकअप की बात करें तो उन्होंने न्यूड मेकअप किया है और सिर्फ लिपस्टिक लगाई है, और लिपस्टिक में वो इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है कि क्या ही कहने। बता दें आपको कि रितु सिंह हमेशा ही अपनी फिल्मों को लेकर काफी चूजी रहती हैं और हाल ही में उन्होंने फिल्म दिलबर की शूटिंग कंप्लीट की है। दिलबर की शूटिंग में के टाइम भी उनके सेट से तमाम तरह की फोटोज आती थी जिसमें वो अरविंद अकेला कल्लू के साथ कई बार मस्ती भी करती हुई नजर आई और लोग उन्हें काफी पसंद करते हैं। वहीं अगर बात करें उनके फिल्मों की तो बता दें कि वो हमेशा ही अपने फिल्मों को लेकर काफी चर्चा में रहती है और लोग उन्हें काफी पसंद करते हैं। तो वहीं अगले पोस्ट की बात करें तो बता दें कि वो है प्रियंका पंडित यानी गार्गी पंडित का, और उसमें वो नजर आ रही है ब्लू कलर की खूबसूरत साड़ी पहने हुए और उनका लाइट मेकअप काफी खूबसूरत लग रहा है। बता दें आपको कि इन दिनों उनके एक दो फिल्में हैं जो कि काफी ज्यादा चर्चे में है। पहला है भैया जी प्रणाम और दूसरा है संस्कार। ये दो फिल्में फिलहाल चर्चे में है और दोनों की शूटिंग प्रियंका फिलहाल कर रही है। बता दें आपको कि प्रियंका पंडित हमेशा ही अपने किसी न किसी फिल्म को लेकर चर्चा में रहती है और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर वो काफी ज्यादा एक्टिव रहती है और सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस तक अपने से जुड़ी तमाम तरह की खबरें पहुंचाती रहती है फोटोज और वीडियोज के जरिए। तो वहीं अगर अगले पोस्ट की बात करें तो बता दें आपको कि अगला पोस्ट है दिनेश लाल यादव निरहुआ का, जिसमें निरहुआ हिंदुस्तानी 3 का पोस्टर है। बता दें आपको कि 21 दिसंबर से इनके फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 3 को मुंबई में
रिलीज किया गया और लोगों ने इसको काफी अच्छा रिस्पांस दिया, लोगों का काफी सारा प्यार मिला निरहुआ को, और निरहुआ और आम्रपाली की जोड़ी को भी काफी ज्यादा पसंद किया गया। बता दें आपको कि दिनेश लाल यादव और निरहुआ और साथ ही साथ आम्रपाली दुबे इन दिनों फिल्म गबरू की शूटिंग में बिजी हैं, तो वहीं उनका निरहुआ चला लंदन फिल्म भी काफी ज्यादा चर्चे में है और 2019 के लिए लगभग निरहुआ की कुछ फिल्में बनकर तैयार है जो कि आपको 2019 में देखने को मिलेंगी। वेल, ये थी आज की तमाम फोटोज वीडियोज और पोस्ट जो कि आपके चहेते स्टार्स ने आप तक शेयर की अपने इंस्टा स्टोरी के जरिए, और साथ ही साथ आप तक कुछ खबरें पहुंचाई खुद से जुड़ी हुई, और यही थी कुछ खास फोटोज वीडियोज और पोस्ट। तब तक और अगली बार मैं फिर से हाजिर होंगी आप सभी के सामने कुछ ऐसी फोटोज वीडियोज और पोस्ट लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम भोजपुरिया।